गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एंड टुडे हम वेक्टर प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सो लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ा है, इन वेक्टर्स वी हैव स्टडीड वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ओके, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत सारा पार्ट वेक्टर्स के रिलेटेड हमने पढ़ा है। तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे हम, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, उसी को ही क्या बोलेंगे हम, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, ओके, वेक्टर प्रोडक्ट। अभी वेक्टर प्रोडक्ट जो है, वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ओके। यहाँ पे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप का रहेगा, दो टाइप का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में रहता है, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। So first is called as scalar product, okay? In vector product there are two types. First is the scalar product. Scalar product को ही dot product बोलते हैं, ठीक है? Dot product. And second is the vector product and it is also called as cross product, okay? So algebra, general जो simple algebra है, उसमें क्या है, multiplication एक ही type का रहता है, 3 into 4 is equal to 12, या फिर 4 into 3 is equal to 12, उसमें दूसरा कोई भी answer नहीं आ सकता। लेकिन vector में क्या है, दो type का product रहता है, first is called as scalar product and second is called as vector product. स्केलर प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइप का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। अभी इसको स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों बोलते हैं, व्हाई दिस इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता है, इसीलिए उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, दो वेक्टर का हमने स्केलर प्रोडक्ट किया, स्केलर प्रोडक्ट कैसे करना है वो हम अभी आज देखने वाले हैं, देखिए, ठीक है। तो दो वेक्टर का हमने स्केलर प्रोडक्ट किया, मतलब इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या मिलता है, हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता है, एंड इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट है उसको बोला है वेक्टर प्रोडक्ट। अभी इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला है, क्योंकि दो वेक्टर का सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट करने के बाद, सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें और एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है, इसी वजह से क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर बोलते हैं, ओके। सो व्हेन वी डू स्केलर प्रोडक्ट वी गेट स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस, व्हेन वी डू स्केलर प्रोडक्ट वी गेट स्केलर क्वांटिटी, एंड व्हेन वी डू वेक्टर प्रोडक्ट वी गेट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। Scalar product is also called as dot product. Why it is called as dot product? Because it is represented like this. That is A bar dot B bar. Okay? A bar dot B bar. Okay? So, scalar product को represent करने के लिए हम यहाँ पे dot use करेंगे. And therefore, it is called as dot product. ठीक है? And वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए बार क्रॉस बी बार यूज करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार, ओके। मतलब यहाँ पे क्रॉस का साइन यूज करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट और दी क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। समझ में आ रहा है कि, देखिए वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, वेक्टर के दो टाइप होते हैं, ओके। वेक्टर प्रोडक्ट के दो टाइप होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का इस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, स्केलर क्वांटिटी नहीं मिलता,
okay? So scalar product always give you a scalar quantity, okay? And vector product हमें क्या देता है? Vector quantity देता है, ठीक है? Scalar product को dot product क्यों बोलते हैं? Because it is represented by dot. And vector product को cross product क्यों बोलते हैं? Because it is represented by cross. ठीक है, so इस तरह से दो टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है, okay? Two types of multiplications are there. स्केलर प्रोडक्ट एंड दी वेक्टर प्रोडक्ट. अभी क्या करेंगे हम, पहले स्केलर प्रोडक्ट डिटेल में स्टडी करेंगे. स्केलर प्रोडक्ट फर्स्ट इज दी स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट इन ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट. ओके, अब इस स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसा है देखिए. सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार. ओके, यहां पे दो वेक्टर हैं ए बार एंड बी बार. इन दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिलता है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा मिलता है. ओके, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दी डॉट प्रोडक्ट. ए बार डॉट बी बार हमेशा क्या आता है? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. A bar dot B bar is equal to AB cos theta. This one is a standard formula. And iska definition, okay, by using this formula, iska hum definition bana sakte hain. Okay? To scalar product ya phir dot product ka definition kya aa jayega dekhiye. Dot product of two vectors is equal to, dekhiye definition kaise likhna hai. Dot product of two vectors is equal to kya aa jayega? A kya hai? जस्ट ए मतलब क्या रहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार रहता है. बी क्या रहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बार रहता है. एंड कॉस थीटा. तो ए बार डॉट बी बार मतलब क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. किसका मल्टीप्लिकेशन है? ए का मल्टीप्लिकेशन विथ बी एंड कॉस थीटा है. ठीक है, तो ए बार डॉट बी बार मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स and cosine of angle between them. And cosine of angle between them. Definition समझ में आ रहा है क्या? देखिए definition. A bar dot B bar मतलब dot product of two vectors is equal to क्या आता है? देखिए dot product of two vectors is equal to product of magnitude of two vectors. A and B क्या है? Magnitude है ना, दो vector का magnitude है. Product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them. तो यहाँ पे definition लिखता हूँ मैं. Dot product of two vectors, dot product of two vectors is defined as product of क्या है? देखिए product of magnitude of two vectors and cosine. Cos का लॉन्ग फॉर्म क्या रहता है? cosine रहता है, ध्यान में रखिए. Cos का लॉन्ग फॉर्म क्या रहेगा? cosine. Cosine of angle between them. Okay? Once again definition देखिए. Dot product of two vectors is defined as क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स. मैग्नीट्यूड्स लिखता हूं. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन. प्रोडक्ट मतलब क्या रहता है? मल्टीप्लिकेशन. ये ध्यान रखिए, प्रोडक्ट इस शब्द का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है. किसका किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? किसका प्रोडक्ट करना है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स लेना है एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम लेना है. इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, इसका और भी एक डेफिनेशन है. और एक डेफिनेशन क्या है देखिए. सपोज दिस इज वेक्टर ए बार, दिस इज वेक्टर बी बार. ठीक है, दीज आर द टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज सपोज थीटा. ये दोनों का एंगल कितना है? सपोज थीटा एंगल है. ठीक है, तो यहां पे देखिए, अभी
ए बार का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, बताइए ए का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आता है, बताइए मुझे ए का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा, करेक्ट है ना, ए कॉस थीटा। अभी देखिए फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब ए बार का बी बार के डायरेक्शन में कंपोनेंट, फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा, एंड ए कॉस थीटा इंटू बी किया तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, ए कॉस थीटा इंटू बी किया तो ए बी कॉस थीटा ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या रहेगा, कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। ओके, मतलब फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट एंड सेकंड वेक्टर, इसका हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें डॉट प्रोडक्ट ही मिलता है। ओके, मतलब फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट लिया तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, एंड सेकंड वेक्टर, ए कॉस थीटा एंड सेकंड वेक्टर इनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, हेंस डॉट प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। देखिए और एक डेफिनेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, करेक्ट है ना, समझ में आ रहा है कि देखिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल बी बार भी अगर फर्स्ट वेक्टर है तो बी का मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट। ओके, डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो इस तरह से इनिशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, वंस अगेन देखिए स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमें स्केलर क्वांटिटी देता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट। एंड डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अभी क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है कि वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, बताइए, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा ना। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, अभी सेकेंड देखिए, अभी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा कि जीरो रहेगा, वो हमें देखना है। अभी डॉट प्रोडक्ट क्या रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है एंड जीरो भी रह सकता है। अभी ये किस पर डिपेंडेंट है, कॉस थीटा पर डिपेंडेंट है, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू जीरो भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब रहता है,
कैन यू टेल मी cos थीटा, क्योंकि देखिए a बार डॉट b बार मतलब a b cos थीटा रहेगा, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन cos थीटा पॉजिटिव भी रह सकता है या फिर नेगेटिव भी रह सकता है, तो cos थीटा पॉजिटिव कब रहेगा? हाँ, अगर एंगल 0 टू 90 डिग्री के बीच में है, एंगल अगर 0 टू 90 के बीच में है तो cos थीटा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, मतलब cos 01 आता है, cos 01, cos 30, cos 45, cos 60 ये सभी वैल्यू आपने निकाला तो वो पॉजिटिव ही रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर क्या है एक्यूट, 0 टू 90 डिग्री मतलब क्या रहेगा, 0 टू 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब रहेगा, जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या रहेगा 0 टू 90 रहेगा, मतलब एक्यूट एंगल रहेगा, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव व्हेन, डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स is acute, okay? Angle between vectors is acute. ये बहुत important property है, ये बाद में आपको use करना है, तो हमेशा ध्यान में रखिए। अगर दो vector के बीच में acute angle रहता है, तो dot product हमेशा positive ही आता है, okay? क्योंकि dot product के बहुत सारे application हैं। Dot product का एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, वी यूज डॉट प्रोडक्ट टू कैलकुलेट वर्क डन, ठीक है। तो वर्क पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है और जीरो भी रह सकता है। तो वर्क पॉजिटिव जब कब रहता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में क्या रहता है, एक्यूट एंगल रहता है। एक्यूट एंगल जब रहेगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर एक्यूट एंगल रहेगा तो क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव रहता है। एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में अगर ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो वर्क डन नेगेटिव रहता है। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब रहेगा, व्हेन angle between vectors, angle between vectors is obtuse, obtuse angle मतलब 90 से 180 के बीच में, मतलब cos of more than 90 degree angle हमने लिया तो हमेशा negative ही आता है, okay? So dot product is negative when angle between two vectors is obtuse. So this is the third property. उसके बाद next क्या है देखिए, dot product commutative law obey करता है क्या, ये हम देखेंगे। dot product अभी देखिए a bar dot b bar मतलब क्या है, a into b into cos theta है, ठीक है, a bar dot b bar, a bar dot b bar क्या आता है, a b cos theta आता है, ठीक है। एंड हमने सपोज बी बार डॉट ए बार निकाला, सपोज क्या निकाला, बी बार डॉट ए बार निकाला, तो क्या होता है, ए बार डॉट बी बार ए बी कॉस थीटा है, तो बी बार डॉट ए बार की क्या जाएगा, बी ए कॉस थीटा आ जाएगा, इट विल बी बी ए कॉस थीटा। अभी देखिए ए बी कॉस थीटा एंड बी ए कॉस थीटा विल बी सेम ना, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ए बी कॉस थीटा का वैल्यू निकाला या फिर बी ए कॉस थीटा का वैल्यू निकाला तो सेम ही आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार आ जाएगा, ओके, क्योंकि ए बार डॉट बी बार ए बी कॉस थीटा आता है, बी बार डॉट ए बार भी बी ए मतलब ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार आता है, मतलब सिक्वेंस का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, सिक्वेंस चेंज करो तो आंसर में चेंज नहीं आएगा। इसको कौन सा रूल बोलते हैं हम, कौन सा लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, मतलब 3 into 4 is equal to 4 into 3, no problem,
ओके, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आता है क्या? 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आ सकता है, ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, एडिशन में ओबे करता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में भी ओबे करता है, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है? सो दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखता हूँ, सो डॉट प्रोडक्ट ओबे, डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, ओके? हाँ, सो देयरफॉर हियर वी कैन राइट दैट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या रहता है? बी बार डॉट ए बार रहता है, देयरफॉर इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आल्सो, इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा, इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, देखिए, ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार अगर है, यहां पे तीन वेक्टर है ना, देयर आर थ्री वेक्टर्स हियर, सो ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार है, तो आपको ये पता होगा, सपोज ऐसा एक ऑपरेशन है 3 × 4 + 5, तो क्या कर सकते हैं, 3 से 4 को मल्टीप्लाई करना है पहले, और 3 से 5 को मल्टीप्लाई करना है, so 3 × 4 that is 12 plus 3 × 5 मतलब 15, so total answer कितना आता है 27, इसको क्या बोलते हैं, distributive law बोलते हैं, ये mathematics का distributive law, तो dot product में distributive law भी obey होता है, मतलब यहाँ पे a bar dot in bracket b bar plus c bar है, तो a bar से पहले b bar को dot product करेंगे, उसके बाद a bar और c bar का dot product करेंगे, मतलब a bar dot b bar प्लस ए बार डॉट सी बार, ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है, ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब रहेगा, ओके, वो भी हमें देखना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, देखिए अभी ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा रहता है, देखिए ए बार डॉट बी बार क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा रहेगा, ओके, AB cos theta, A bar dot B bar is equal to AB cos theta, अभी cos theta का value कितना रहता है, 0 to 1 के बीच में रहेगा, cos theta का value 0 to 1 के बीच में ही रहेगा, मतलब अगर cos theta का value 1 आता है, 1 से तो ज्यादा नहीं होता cos theta का value 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब A bar dot B bar AB इतना maximum value आ सकता है, मतलब dot product का maximum value कितना रहेगा, AB रहेगा, ए बार डॉट बी बार का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, ए इंटू बी, ओके, तो मैक्सिमम कब आ जाएगा, जब कॉस थीटा 1 रहेगा, कॉस थीटा 1 रहेगा मतलब एंगल कितना होना चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू 1 आने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors is maximum, dot product of two vectors is maximum when angle between two vectors kya rahega, 0 degree rahega, okay,
क्योंकि a बार डॉट b बार का वैल्यू कितना आता है, a b cos theta आता है, एंड cos theta का वैल्यू मैक्सिमम कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पे a बार डॉट b बार का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी ए बी, ए बी ही रह सकता है, ए बी से ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि cos theta का वैल्यू मैक्सिमम 1 है, तो डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू यहां पे ए बी हो सकता है, ओके। तो देयरफॉर cos theta कितना होना चाहिए, मैक्सिमम आने के लिए 1 होना चाहिए, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि cos 0 ही क्या आता है, हमेशा 1 आता है, ओके। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, ये ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मिनिमम कब आता है, ये भी देखना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम, मिनिमम मतलब कितना, 0, मिनिमम मतलब 0 कब आ जाएगा। तो देखिए ए बार डॉट बी बार मिनिमम कब आता है, देखिए ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा है, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो 0 आने के लिए कॉस 0 का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्योंकि ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वो तो रहेगा ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, ए एंड बी का वैल्यू कुछ तो रहेगा, देयरफॉर कॉस थीटा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी भी पॉसिबल है, ओके। सो देयरफॉर थीटा कितना आना चाहिए, थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 ही क्या आता है, 0 आता है, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन एंगल, बिटवीन एंगल बिटवीन two vectors, angle between two vectors is 90 degree, okay. So dot product of two vectors is minimum when angle between two vectors is 90 degree रहेगा, ये ध्यान में रखना। Next, next property. So once again देखिए मैंने क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, ओके, बिकॉज़ यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितना आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ए बी आना चाहिए, मतलब cos थीटा शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू मतलब हम 0 वैल्यू लेंगे, ओके, 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मिनिमम कब आता है, जब उनमें एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड हमें देखना है, मैग्नीट्यूड माइनस, मतलब माइनस 1 नहीं चाहिए हमें, 0 0 चाहिए, 0, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट है क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, ऐसा नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा मतलब 0 लेना है हमें, नॉट माइनस 1, ओके, 0 कब रहेगा वो हमें देखना है। नेक्स्ट, अब किसी वेक्टर का उसी के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या होता है, देखिए, ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट of a vector with itself, किसी वेक्टर का उसे के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ओके, ये कैसे निकालेंगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ए बार डॉट ए बार हमने निकाला तो क्या होता है, देखिए ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ए इंटू क्या आ जाएगा, cos ऑफ कितना एंगल, लिखो बताओ, ए बार और ए बार में एंगल कितना रहेगा, 0 ही रहेगा ना, 0 रहेगा। एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब दो वेक्टर के एंगल, दो वेक्टर के डायरेक्शन में एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ए बार डॉट ए बार मतलब ए इंटू ए इंटू कॉस 0 रहेगा, एंड देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर,
ए बार डॉट ए बार क्या रहेगा, हमेशा ए स्क्वायर रहेगा, ये ध्यान में रखना है. cos 0 इज इक्वल टू 1. डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा. ओके, सो ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर. उसी तरह से आगे देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या आ जाएगा, वो भी देखेंगे. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, नंबर प्रॉपर्टी नंबर 9, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये हमें अभी फाइंड आउट करना है. तो ये क्या आ जाएगा, देखिए a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 90 रहेगा ना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब उनमें एंगल कितना रहेगा. ओके, इसके बहुत डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है ये पहले समझ लीजिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पहले समझ लीजिए, ठीक है. क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट आपको नहीं आता तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें डॉट प्रोडक्ट यूजफुल है. ओके, नहीं तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे. इसके एप्लीकेशन ये डॉट प्रोडक्ट होने के बाद मैं आपको बता दूंगा. ओके, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है क्या, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट और स्टेट, मतलब थ्योरी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, स्टेट एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, वो बाद में बताऊंगा मैं. अभी तो पहले कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरह से समझ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है वो अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर कितना आ जाएगा, देखिए a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a इनटू b इनटू cos 90, परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब थीटा 90 होगा, तो a बार डॉट b बार कितना आ जाएगा इक्वल टू cos 90 मतलब 0, ये 0 आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स अभी हम देखेंगे. डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स मतलब यहां पे क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप डॉट आई कैप, उसके बाद जे कैप डॉट जे कैप, उसके बाद के कैप डॉट के कैप, ये कितना आ जाएगा ये हमें देखना है, ठीक है. उसके बाद आई कैप डॉट जे कैप, ओके, जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट आई कैप, ओके, ये कितना आ जाएगा ये भी देखना है. देखिए आई कैप डॉट आई कैप कितना जाएगा, देखिए for that we can use this property number 8. property number 8 क्या है, देखिए a bar dot a bar मतलब क्या आता है, a square आता है ना, वैसे ही i cap dot i cap मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1. a cap dot a cap, a क्या है बताइए मुझे, what is this capital A, capital A मतलब क्या है, magnitude है, magnitude का square रहता है, यहाँ पे लिखा है ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. आई कैप का मैग्नीट्यूड बताओ, यूनिट वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 1. सो आई कैप डॉट आई कैप मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर रहेगा ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1 बनेगा. ओके, क्योंकि किसी भी वेक्टर का हमने उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड मिलता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, सो आई कैप डॉट आई कैप मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वैसे जे कैप डॉट जे कैप कितना जाएगा बताओ, जे कैप डॉट जे कैप
it will be also equal to 1 na, and k cap dot k cap this will also equal to 1 क्योंकि k cap dot k cap मतलब उसका भी magnitude का square आ जाएगा। I ले लो, j ले लो या फिर k ले लो, सभी का magnitude तो 1 ही रहता है, so 1 का square हमेशा 1 ही रहेगा। अभी देखिए I dot j कितना आ जाएगा बताओ, I dot j, हाँ I dot j मतलब 1 into cos of theta रहेगा। अभी theta मतलब क्या है और I and j cap में angle, अभी आप मुझे बता सकते हैं i cap एंड j cap में एंगल कितना रहता है, i cap एंड j cap में एंगल कितना रहता है? i cap is used to represent x axis, j cap is used to represent y axis, x and y axis में मतलब i cap j cap में एंगल 90 डिग्री रहेगा ना, एंड परपेंडिकुलर यहां पे लिखा है ना, नाइंथ प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 रहता है, इज इक्वल टू 0, तो यहां पे i cap डॉट j cap या फिर j cap dot i cap क्या रहेगा, 0 रहेगा, j cap dot k cap क्या रहेगा, 0 रहेगा, k cap dot i cap क्या रहेगा, 0 रहेगा। So this is now very very important part, dot product of unit vectors क्या आता है, ये बहुत important part है। So once again मुझे बताइए j cap dot j cap कितना जाएगा, j cap dot j cap 1, ठीक है, j cap dot i cap कितना जाएगा, j dot i 0, ठीक है। So इस तरह से आपको पता होना चाहिए, मतलब i j j k k ये dot product हमने लिया तो 1 1 1 आ जाएगा, i dot j या फिर j dot i, j dot k और या फिर k dot j, k dot i या फिर i dot k, ये सभी का perpendicular vector का dot product हमेशा 0 ही आता है, ओके। अभी यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए, अप टू दिस एनी डाउट, यहां तक जो भी डाउट है वो बोलिए मुझे। यहां पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए, थ्री आई कैप डॉट टू जे कैप 0 आ जाएगा, 3 i cap मतलब एक क्वेश्चन है यहां पे देखिए, 3 i cap dot 2 j cap सपोज करना है, अभी i cap मतलब x डायरेक्शन रहेगा ना, मतलब 3 i cap मतलब वेक्टर कैसा रहता है, उसका मैग्नीट्यूड 3 रहेगा, डायरेक्शन x एक्सिस रहेगा, एंड 2 j cap मतलब क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड 2 रहेगा, डायरेक्शन y एक्सिस रहेगा, मतलब ये दो वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। If dot product, in dot product, what if we, if one vector is negative, one negative vector है तो वहाँ पे क्या करेंगे, theta 180 degree use करेंगे, theta 180 degree use करेंगे, scalar product means magnitude ना, scalar product करने के बाद हमें only magnitude मिलता है, direction नहीं मिलता, ठीक है, so scalar product means magnitude only। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड रहेगा। अभी देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इफ ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, ठीक है, एंड बी बार इज इक्वल टू bx i cap plus by j cap plus bz k cap है, ठीक है, यहाँ पे दो वेक्टर है सपोज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है 5 i cap dot 5 i cap क्या आता है या फिर 2 i dot 3 j क्या आता है, ओके, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, अभी ये सॉल्व करने के बाद आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, एंड बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला किसी भी दो वेक्टर का, ij के फॉर्म में रहने दो, किसी भी दो वेक्टर का इजीली हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो पहले ये ठीक से अभी अंडरस्टैंड कीजिए, a बार इज इक्वल टू सपोज क्या है axi plus ayj plus az के है, एंड b बार इज इक्वल टू क्या है bxi byj plus pz है, तो a बार डॉट b बार क्या आता है ये हमें अभी देखना है, ओके,
यहां पे आके देखिए क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स आई क्या ए वाई जे क्या प्लस ए जेड के क्या के डॉट एज इट इज वाई लिख रहा हूं ए बार की जगह वो वेक्टर लिख रहा हूं, बी बार की जगह वो बी बार का वेक्टर लिखूंगा, बी वाई जे क्या प्लस बी जेड के क्या। अभी यहां पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, मतलब अभी क्या करेंगे ए एक्स आई कैप से तीनों टर्म को मतलब बी एक्स बी वाई बी जेड तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद ए वाई जे कैप से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद ए जेड के कैप से तीनों टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन आपको पता है ना, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, पहले ब्रैकेट में सपोज दो क्वांटिटी है, दूसरे ब्रैकेट में थ्री क्वांटिटी है, तो क्या करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट के हर एक क्वांटिटी से दूसरे ब्रैकेट के हर एक क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैथमेटिक्स में जनरली यूज करते हैं वही। ओके, हाँ, एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अभी क्या करूंगा, ए एक्स आई कैप से ये तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल बी ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई आ जाएगा, करेक्ट है ना, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद ए एक्स से सेकंड को इधर मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस, उसके बाद ए एक्स से अभी तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए, फर्स्ट टर्म से ओनली मल्टीप्लीकेशन किया है। ओके, उसके बाद अभी क्या करेंगे, ए वाई जे से इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए वाई ए वाई बी एक्स जे डॉट आई दिस विल बी द फर्स्ट टर्म, उसके बाद ए वाई बी वाई, करेक्ट है ना, इस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अभी ए वाई बी वाई जे डॉट जे जे डॉट जे, इसके बाद ए वाई बी जेड जे डॉट के, उसके बाद प्लस, अभी क्या करेंगे ए जेड के से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। ओके, अगर फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट में थ्री टर्म है, सेकंड ब्रैकेट में थ्री टर्म है, तो टोटल यहां पे कितना टर्म आ जाएगा, नाइन टर्म्स विल बी देयर, नाइन टर्म्स। तो अभी मुझे बताइए ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, मुझे बताइए आई कैप डॉट आई कैप कितना आता है, आई कैप डॉट आई कैप इज वन, सो देयरफॉर यहां पे क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स, एलएचएस तो क्या है a bar dot b bar है, a bar dot b bar is equal to a x into b x, i cap dot i cap one, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अभी i dot j क्या है, i dot j कितना है बताइए, zero, मतलब ये term zero हो जाएगा, second term, i dot k कितना रहता है, i dot k zero, मतलब ये term भी zero रहेगा। उसके बाद a y b x j dot i कितना रहता है, j dot i जीरो, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बताओ कितना जाएगा, जे डॉट जे मतलब वन आ जाएगा, मतलब यहां पे क्या बचेगा, ए वाई बी वाई बचेगा प्लस ये कितना जाएगा बताइए, जे डॉट के जीरो रहता है ना, तो ये जीरो बनेगा। उसके बाद ये कितना, k डॉट आई
ओके जीरो। उसके बाद ये के डॉट जे है, के डॉट जे मतलब जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद लास्ट टर्म क्या बनेगा, ए जेड बी जेड के डॉट के मतलब वन, ए जेड बी जेड मतलब एक हमें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, ए बार डॉट बी बार का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड रहेगा। सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर द डॉट प्रोडक्ट। अगर वेक्टर्स आईजे के फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है देखिए, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, मतलब अभी देखिए ए बार डॉट बी बार के हमने दो फॉर्मूले देखे हैं, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड ए बार डॉट बी बार का दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो दिस आर द थ्री टू फॉर्मूले ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी ऊपर वाला फॉर्मूला कब यूज करना है क्या बता सकते हैं मुझे, ऊपर वाला फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करना है? अगर आपको ए बी एंड थीटा पता है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, ए बी एंड थीटा। ए बी एंड थीटा मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंगल पता है तो, ठीक है। मतलब सपोज आपको ऐसा बोला फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है एंड इसमें एंगल 60 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 5 इंटू 3 इंटू कॉस 16, ओके 5 इंटू 3 इंटू कॉस 16, ठीक है। सो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू कॉस 16 मतलब हाँ 15 बाई 2, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला का भी यूज करना है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है एंड एंगल बिटवीन देम पता है तो, ओके। एंड इस सेकंड वाला फॉर्मूला का भी यूज करना है अगर दो वेक्टर आईजे के फॉर्म में है। मतलब अभी कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि 5i कैप है, ये दो वेक्टर ही है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं अभी इन दिस फॉर्मूला क्या करना है, i एंड i का मल्टीप्लिकेशन करना है, j एंड j का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन करना है और k और k के साथ जो मैग्नीट्यूड है उनका ही सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे दोनों i एंड i ओनली है तो 5 into 5 25 आता है, ओके okay? किसका डायरेक्शन साक्षी, डायरेक्शंस क्या, नहीं डायरेक्शंस मैंने ऑलरेडी बताया ना, स्केलर प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट वो हमें ओनली मैग्नीट्यूड देता है, आईजे के आएगा नहीं उसमें, हमने सॉल्व करके देखा ना वो कैंसल आउट होता है डायरेक्शन सब कुछ, ठीक है। तो आईजे के उसमें नहीं आता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमें एक नंबर मिलेगा सिर्फ, आईजे के उसमें कुछ नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ठीक है। सपोज ए बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 2k, सो ये दो वेक्टर है, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार मतलब क्या करना है, किसका मल्टीप्लीकेशन करना है, i के साथ i का, j के साथ j का एंड k के साथ k का ही मल्टीप्लीकेशन ओनली करना है। मतलब 3 into 2, 6, i dot i तो 1 ही आता है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, i dot i मतलब 1 हो गया, i निकल गया वहां से। 3 into 2, 6 plus क्या करना है, 2 into यहाँ पे नहीं है मतलब कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। 5 into 2 मतलब कितना लिखूंगा, 10 लिखूंगा, तो कितना आ जाएगा, this will be equal to 18, मतलब एक नंबर ही ओनली मिलता है, इसीलिए उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, वहां पे आईजे के कुछ नहीं मिलता है हमें। ए बार डॉट बी बार इस तरह से निकालते हैं अगर इस तरह से आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो, ठीक है।
सपोज इसका निकालिए पी बार इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फाइव ए कैप एंड क्यू बार इज इक्वल टू थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो अभी कितना आ जाएगा बोलो, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। हाँ, सेल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू वन, यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट वन ही आएगा। इसका आंसर कितना जाएगा बताइए, ठीक से देखिए, I के साथ I का, J के साथ J का, K के साथ K का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, I के साथ J का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे I है, यहाँ पे J है, इनका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, और किया भी तो क्या हो जाएगा, I डॉट J मतलब जीरो आ जाएगा वो, तो इसको क्या करना पड़ेगा देखिए, इसको P बार को ऐसे लिखूंगा मैं, P बार को, P बार में J नहीं है, J नहीं है, ठीक है, तो यहां पे 3i plus 0j minus 5k इस तरह से लिख सकता हूं, j नहीं है मतलब 0j लिखूंगा। उसके बाद q बार कितना है, i cap नहीं है, q बार में i cap है क्या, नहीं है i cap, तो 0i cap plus 3j cap plus 2k cap, p बार डॉट q बार इज इक्वल टू 3 इंटू 0 मतलब 0 बनेगा, 0 इंटू 3 मतलब 0 बनेगा एंड माइनस 5 इंटू 2 ओके मतलब कितना आ जाएगा माइनस 10। सो p बार डॉट q बार कितना आता है माइनस 10 आता है, माइनस 10 k कैप वगैरह कुछ नहीं आएगा, k कैप मत लिखो, के कैप डॉट के कैप वन हो गया, के कैप निकल गया, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमें ओनली मैग्नीट्यूड नंबर मिलेगा ओनली प्लस या फिर माइनस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव भी रहता है, मैंने आपको बताया इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ओनली नंबर, इसीलिए उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, पी आई डॉट जीरो आई मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो जे क्या डॉट थ्री जे क्या मतलब जे डॉट जे वन, लेकिन जीरो इंटू थ्री मतलब जीरो आता है ना, तो जीरो होता है एंड माइनस फाइव इंटू टू मतलब माइनस टेन एंड के कैप मतलब वन आता है, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू वन, के कैप नहीं लिखना है वहां पे। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर ऑफ फिजिक्स, ओके, सो बाय एंड टेक केयर।